हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणियों के बाद हिमाचल की वादियां भी सियासी गर्माहट से पिघलने की कगार पर हैं। दरअसल इन टिप्पणियों के बाद कांग्रेस ने सतपाल सत्ती के घर का घेराव करने की चेतावनी दी थी, लेकिन ऊना में उनके घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा सत्ती के पक्ष में वहां उमड़ पड़ा। पार्टी समर्थकों ने इसके बाद सतपाल सत्ती और बीजेपी के पक्ष में नारेबाजी करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। वहीं कांग्रेस समर्थक घेराव करने नहीं पहुंचे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ 48 घंटे का ऑर्डर इश्यू किया है, इसलिए उन्होंने ये घेराव नहीं किया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणियों के बाद हिमाचल की वादियां भी सियासी गर्माहट से पिघलने की कगार पर हैं। दरअसल इन टिप्पणियों के बाद कांग्रेस ने सतपाल सत्ती के घर के घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन ऊना में उनके घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा सत्ती के पक्ष में वहां उमड़ पड़ा। पार्टी समर्थकों ने इसके बाद सतपाल सत्ती और बीजेपी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद बहुत देर तक वहां तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन कांग्रेस समर्थक घेराव के लिए नहीं पहुंचे। बाद में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक सतपाल राजादा ने सत्ती के चुनाव प्रचार पर रोक का हवाला देकर इस घेराव को रद्द करने की बात कही। ऐसे है, कल सुखविंदर सिंह सुखू जी ने ये बोला था कि अगर चुनाव आयोग सतपाल सत्ती के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है तो उनके घर का घेराव किया जाएगा, और अब जो चुनाव आयोग ने है 48 घंटे का सतपाल सत्ती के ऊपर बैन लगा दिया है, इसलिए ये प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। और लेकिन अगर सतपाल सत्ती जी ने इसी तरीके से धर्म के खिलाफ और औरतों के खिलाफ टिप्पणी जो बंद नहीं की तो इनके खिलाफ प्रदर्शन द्वारा जुर्म किया जाए। वहीं बीजेपी समर्थकों ने भी बाद में कांग्रेस के इस घेराव की पूर्व घोषणा का जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाया और कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को दम दिखाकर सतपाल सत्ती के घर का घेराव किए जाने की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कांग्रेस पर हिमाचल जैसे शांत प्रिय प्रदेश का माहौल खराब करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, प्रतिदिन देश का चौकीदार चोर है ऐसा कह रहे हैं, तो उसी के लिए जिस प्रकार से आज उसी संदर्भ में हमने राहुल गांधी का पुतला जलाने का काम किया है। बस मेरा इसमें यही कहना कि सतपाल सत्ती के घर का घेराव करने के लिए जो कांग्रेस के लोगों ने अफवाह फैलाई थी, और उसमें जब हमारे कार्यकर्ताओं को पता लगा है कि सतपाल सत्ती के घर का घेराव करेंगे, लोकतंत्र में घेराव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घेराव के साथ जब वो गालियां निकाले कि सतपाल सत्ती को गालियां निकालते हैं और उनके घर के घेराव की धमकी देते हैं, तो इसलिए आज पूरा जो बीजेपी का जूथ है और बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हुए हैं उसको जवाब देने के लिए कि यदि हिम्मत है जो तुम गाली निकालते हैं तो आओ आके घेराव करके बताओ, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये प्रदेश जो है शांति प्रिय प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश,